भैया बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक के अंदर हमें बहुत सारे फ्रेंड मिल जाते हैं और उनके साथ साथ भैया बहुत सारी वीडियो मिल जाती है देखने के लिए। और कुछ ऐसी खास वीडियो होती है जो कि हमें काफी पसंद आ जाती है और हमें ऐसा लगता है भैया ये जो वीडियो है हमारी गैलरी के अंदर होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं भैया किसी भी फेसबुक वीडियो को आप अपनी गैलरी में डाउनलोड करना, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताने वाला हूँ कि आप किस तरह किसी भी फेसबुक वीडियो को आप अपनी गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं। ना भैया चाहिए हमको कोई एप्लीकेशन, सिर्फ एक वेबसाइट है जिसकी मदद से हम किसी भी फेसबुक वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी चाहते हैं किसी भी फेसबुक वीडियो को आप अपनी गैलरी में डाउनलोड करना, तो सबसे पहले भी आप अपना फेसबुक ओपन कीजिए और फेसबुक ओपन करने के बाद उस वीडियो को सिलेक्ट कीजिए जिस वीडियो को आप अपनी गैलरी में डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं इस वीडियो को डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर कॉर्नर में हमें थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे। तो हमें थ्री डॉट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद भैया यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे। तो हमें एक नीचे ऑप्शन मिलता है भैया कॉपी लिंक का। तो हमें करना क्या है, कॉपी लिंक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद भैया ये इस वीडियो का जो लिंक है कॉपी हो जाएगा। और इतना करने के बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे भैया, और बैक आने के बाद आपको अपना कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से क्रोम ब्राउज़र ओपन करने वाला हूँ, आपको जो ब्राउज़र अच्छा लगे उसको ओपन कीजिएगा। और ओपन करने के बाद भैया हमें करना क्या है, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में एक ऑप्शन मिल रहा है सर्च और टाइप वेब एड्रेस का, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद भैया यहाँ पे हमें पिंक वीडियो लिख देना है जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे PIC K पिक, और उसके बाद लिख देना है हमें वीडियो। और पिक वीडियो लिखने के बाद भैया हमें इतना सर्च कर देना है, और जैसे ही भी आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो हमें एक ऑप्शन मिल रहा है ऊपर क्यू डाउनलोडर का, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है भैया। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा इसका। और आपको करना क्या है, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है इंटर द वीडियो लिंक, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है इंटर द वीडियोस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद भैया जो फेसबुक से हमने वीडियो का लिंक कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद भैया नीचे जो डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम ये प्रोसेसिंग करेगा, और जैसे भैया इसका प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे हमें वो वीडियो मिल जाएगी जिसका लिंक हमने फेसबुक से कॉपी किया था। उसके बाद भैया थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे डाउनलोड करने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऊपर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है HD मिरर MP4, ये जो वीडियो है 1.74 MB में डाउनलोड हो जाएगी। और उसके साथ साथ भैया हमें नीचे और भी बहुत सारे छोटे ऑप्शन में भी जो है वीडियो का क्वालिटी का ऑप्शन मिल रहे हैं, आपको जो भी क्वालिटी पसंद आए उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल मैं ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम जैसे ही डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा, और उसके बाद भैया इस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे हमें एक थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर हमने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद भैया ऊपर जो हमें डाउनलोड का एक ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये जो वीडियो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। और ये जो वीडियो भैया हमें कुछ टाइम 2-4 सेकंड के बाद हमारे गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। और कोई भी फेसबुक से वीडियो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से ऐसे कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन नहीं चाहिए हमें, सिर्फ एक जो वेबसाइट है इसकी मदद से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये वीडियो अभी डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ से इसको ओपन करके हम गैलरी से देख भी सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी तरह का कन्फ्यूज हो आपको तो हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।